टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो नई जर्सी है, यानी कि वो जर्सी जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पहनती नजर आएगी, उसको लॉन्च कर दिया है और वो जर्सी सामने आई है। सबसे पहले अगर हम आपको जर्सी दिखाएं तो वही एज यूजुअल जो पाकिस्तान की जर्सी का हमेशा कलर रहता है, हरा हरा रंग बहुत सालों से उनकी जर्सी में क्रिकेट टीम में रहा है और इस बार भी उनकी जो जर्सी है वो पूरी तरह से हरे रंग में रंगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की नई जर्सी जो वर्ल्ड कप के लिए है वो सामने आ गई है। दोस्तों ये जर्सी वैसी है जैसे कि एक सब्ज रंग की पाकिस्तानी जर्सी होती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन की है पेप्सी के साथ। पेप्सी का एक स्टिकर आपको इस जर्सी पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ पाकिस्तान ने एक और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी की है, लेकिन दोस्तों पेप्सी जो एक यहूदी कंपनी है पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में उसके साथ भी कोलैबोरेशन की है। दोस्तों अमेरिकन कंपनी जो फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस रही है, इस बार फिर पाकिस्तान ने उसका साथ दिया है। जहां तक देखा जाए तो पाकिस्तान की जर्सी वैसी ही है जैसी होती है, लेकिन कुछ आपको सब्ज रंग के इसमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें पीसीबी का लोगो है, साथ में टी20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और यूएसए 2024 का है उसका एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अब आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलेगा, इसके बाद पाकिस्तान सीधा सीधा वर्ल्ड कप में जाएगा और यही टीम जो आपको दिख रही है। एक आध चेंजेस वो भी दोस्तों मुश्किल है, अगर हो जाए इस टीम में तो वही टीम आपको वर्ल्ड कप टी20 में खेलती हुई दिखाई देगी जो बाबर आजम की कप्तानी में जाकर वहां पर खेलेगी। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वर्दी आपको कैसी लगी और पेप्सी के साथ पाकिस्तान का और टीसीएल के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन आपको कैसा लगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहीं पे डार्क ग्रीन कलर है और कहीं पर लाइट ग्रीन कलर है। और अगर मैं जर्सी की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि इस जर्सी पे एक तरफ लिखा हुआ है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, बीच में बड़ा बड़ा पाकिस्तान लिखा हुआ है, उससे ऊपर पीसीबी का जो लोगो है वो लगा हुआ है और जो बाजू हैं वहाँ पर उनके जो दो स्पॉन्सर होंगे उनके जो लोगोज हैं वो लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो जर्सी थी एक कार्यक्रम में लॉन्च हुई जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काफ़ी सारे खिलाड़ी हमें नज़र आए, बाबर आजम नज़र आए, शाहीन शाफरीदी नज़र आए, मोहम्मद रिजवान नज़र आए, और इन्हीं सभी खिलाड़ियों ने मिलजुल कर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप 2024 वाली जो नई जर्सी थी उसको लॉन्च किया। देखिए अब ये जर्सी कैसी लगी, इंडियन टीम की भी जर्सी हमने आपको दिखाई और अब हम आपको पाकिस्तान की जर्सी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें अब आप हमें ये बताएं कि आपको इन दोनों ही देशों में किसकी जर्सी ज़्यादा बेहतर लगी, किसकी जर्सी देखकर आपको मज़ा आया। इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की देखिए जो टीम है उसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की टीम अनाउंस नहीं हो पा रही। लेकिन उनका जो इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा है वहाँ से काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो साफ हो जाएंगी कि वही टीम ऑलमोस्ट आपको खेलती हुई नज़र आएगी। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला 6 जून 2024 को खेला जाएगा यूएसए के खिलाफ, यानी कि यूएसए के खिलाफ यूएसए में ही उनका पहला मैच है, डेलस में मैच खेला जाएगा पाकिस्तान का। उसके बाद उनका जो दूसरा मुकाबला है वो 9 जून को हिंदुस्तान के खिलाफ खेला जाएगा, ये मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा। इसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम कनाडा के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, ये मुकाबला 11 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम 16 जून को अपना मुकाबला खेलेगी, लीग आखिरी मुकाबला जो पहले राउंड का आखिरी मुकाबला वो आयरलैंड के खिलाफ, ये 16 जून को मैच खेला जाएगा। और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है, जिसके लिए जो टीम है वो कभी भी रवाना हो सकती है। वो टीम पहले ही अनाउंस हो चुकी है और लगातार पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज भी एक प्रैक्टिस सेशन हुआ जहां पे काफी सारी तस्वीरें भी आई और काफी देर तक वो अभ्यास करते हुए नजर आए। तो और माई 11 सर्कल पर आप हर दिन जीत सकते हैं करोड़ों के प्राइस। टाटा आईपीएल पर खेलिए मेगा कॉन्टेस्ट जिसका फर्स्ट प्राइज ही कम से कम 1 करोड़ से शुरू है, यानी कि 1 करोड़ से शुरुआत, तो है ना मजे की बात। साथ ही जो जर्सी है वो भी नजर आ गई है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, एक बार फिर कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किसकी जर्सी अच्छी लगी, पाकिस्तान की या फिर अपनी टीम इंडिया की।